बच्चों के लिए यही कहूंगा कि गणेश दरख्तों के साय की उम्र लंबी हो, गणेश दरख्तों के साय की उम्र लंबी हो कि इनके नीचे मुसाफिर कयाम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू परिणीति राव। आई वुड लाइक टू इनवाइट टैग नंबर 64 ज्योति देवी फॉर सिंगिंग परफॉर्मेंस। प्लीज कम ऑन द स्टेज। टैलेंट की कहीं पर कमी नहीं है, हाँ वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, रैप हो, जो भी आइटम मैंने यहाँ पे देखी है वो हाई लेवल की है। और देश में मैंने पहले भी बात की है, हम टेलीविजन के बड़े बड़े शो में इस तरीके के एक्ट देखा करते थे जो आज हमें यहाँ देखने को मिले। यहाँ एक दो बच्चों ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, एक बच्चे का मैं नाम लेना चाहूँगा, मुझे लगता है ये जो बच्चा है सिकंदर जी का, इसने इतना बेहतरीन प्रभाव किया राज जी ने। और इसके अलावा और छोटी बच्चियां थी जिन्होंने बहुत बेहतरीन डांस यहाँ पे कंपटीशन किए, सिंगिंग में बहुत ज़बरदस्त आवाज़ और सुर लगाए यहाँ पे, और आप तमाम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से जो है वह किया। मैं ये बताता चलूँ कि आज के दौर में कंपटीशन की बात है, मैंने पहले भी कहा था आपके टैलेंट की, आपकी परफॉर्मेंस की कदर है। और ये जो बच्चे हैं ये हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, हमारी जनरेशन के फ्यूचर हैं, यही बच्चे हमारे देश के फ्यूचर हैं, और आने वाले वक्त में इन्होंने ही हमारे देश की कमान संभालनी है। तो ये जो बच्चे हैं आज इनका टैलेंट देख के अंदाजा होता है कि हमारे देश का फ्यूचर कितना मजबूत है, और इन बच्चों के हाथ में हमारे देश का फ्यूचर जाने वाला है। मैंने सुबह भी ये कहा था, अभी फिर से ये कहूँगा कि आज जबकि 5G का दौर है और बच्चा मोबाइल से देख के बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो घरों में मोबाइल पर ही अपना वक्त गुजार लेते हैं। बहुत सारी समाज में इसकी बुराइयाँ हैं, कहीं ड्रग एब्यूज़ है, कहीं दूसरी किसी चीज़ों में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो टैलेंट से भरे हुए बच्चे हैं, ये जो टैलेंटेड लोग हैं, इनको देख के ये उन बच्चों को सीखना चाहिए कि लाइफ किस तरीके से गुजारनी है। इस तरीके का टैलेंट मेरे को यहाँ देखने को मिला, मैं बेहद मशहूर हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ खासकर इस टीम का जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर करवाया और इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया।
हमारे बहुत सारे टैलेंट्स जो है वो अंदर दबे रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों को मौका ही मिलता टैलेंट उभार कर सामने लाने का। आपको याद होगा जनरेशन फीस साल में लाखों रुपए खर्चती है श्री अच्छा प्रोग्राम के तहत करवाए जाने वाली एक्टिविटीज में, जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती है, जिसमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, या एक सुना है आसमान करके जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्रोग्राम आया करता है, आपको याद होगा। तो उन जैसे प्रोग्राम में ये जो बच्चे हैं ये पार्टिसिपेट करें, ये स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे वहाँ से उभर के जाएं और आज जो देश में बड़े बड़े मंच हैं उनमें परफॉर्म करें। हमारी ओर से, मेरी ओर से इनके लिए बेस्ट विशेज हैं, इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि इस लेवल का ये प्रोग्राम होगा, मतलब जब मुझे इसको इन्विटेशन मिला आई वाज आउट ऑफ ड्यूटी एट दैट टाइम, बट स्टिल मैंने टाइम अरेंज किया और मैं यहाँ पहुँचा। बट यहाँ देख आके मेरे को ये अंदाजा हुआ कि कितना हाई लेवल की परफॉर्मेंसेज यहाँ पर बच्चों ने की हैं। हमारी ओर से इन तमाम नन्हे बच्चों के लिए बेस्ट विशेज, उनका आने वाला फ्यूचर और बेहतर हो और ये अपने टैलेंट को उभार कर अपना नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सके, रियासी का नाम रोशन कर सके। साथ ही साथ मैं यहाँ टीम का जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाया और इन बच्चों को एक मौका दिया, ये बच्चे हाई एनर्जी लेवल के साथ सुबह 10 बजे से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और कंटिन्यूसली एक ही लेवल ऑफ एनर्जी हम देख सकते हैं इनका। तो मेरी ओर से एक बार फिर से आप सबको बेस्ट विशेज, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। बच्चों के लिए यही कहूँगा कि घने दरख्तों के साय की उम्र लंबी हो, घने दरख्तों के साय की उम्र लंबी हो कि इनके नीचे मुसाफिर कयाम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर।